किसी दुश्मन से पैसे मांग लेना, लेकिन घरवाड़ी से पैसे भूल के भी मत लेना। 2 साल पहले 5,000 मांगे थे घरवाड़ी से, 9,000 तो अब तक दे चुका हूँ, 2,000 अभी भी बाकी है। मर्द अगर किसी औरत के सामने झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो उस औरत को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि ये सच है तो ही लाइक करें। बाप की इज्जत बेटियों के हाथ में होती है और प्रॉपर्टी नालायकों के हाथ में। ससुराल में दामाद की इज्जत सबसे ज्यादा क्यों की जाती है? अरे क्योंकि वो जानते हैं कि ये वो महान आदमी है जिसने उनके घर के तूफान को संभाल रखा है। सुनो जी। हाँ जी बोलो, क्या बात है? ये बताओ, शादी के बाद लड़कियां मोटी क्यों हो जाती हैं? अब यार, शादी से पहले लड़कियां सिर्फ खाना खाती हैं, और जब शादी हो जाती है तो पति का खून भी तो पीती हैं, सारी चुड़ैल बन जाती हैं, कमीनी। अरे मैं तेरे तो डरता को नहीं। तू मेरे तो ड्रेस है, पहली बार जब तू मने देखन आया 4-5 लोगा ने लेके आया था, और जब तू मने ब्याहन आया 200 लोगा ने लेके आया था, और मन्ने देख मन्ने एकली आ गई एक। अबे यार तुझसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ, क्या पूछना है तेरे को? ये साड़ो भाई का मतलब क्या होता है? अबे यार, जब दो अनजान आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं ना, तो उसे साड़ो भाई कहते हैं।